अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम लोग जो फिरने गए थे उसका पार्ट टू वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं, एक एक्स्ट्रा रहना था, यहाँ एक एक्स्ट्रा रहना था। चल चल रे मैच रे, मुइन मुइन मैच। नहीं नहीं तू कर। आउट 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 आउट। अवेज हट जाओ अवेज, पकड़ मा। आजा आजा जल्दी आजा, अंदर आजा, लास्ट चांस तुझे। अभी हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ख़बर के पास हम लोग आए हैं बच्चों को लेकर। तो अंदर वो वीडियो पकड़ने के लिए नहीं देंगे, तो बाहर से ही दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं। माशाल्लाह 200 प्लस ईयर्स हो गए, लेकिन आज भी अगर जो हिस्ट्री उठाकर पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि टीपू कौन से शख्स थे, कैसे शख्स थे, कितनी कुर्बानी दी और कितने बहादुर थे। ये उनके ख़ानदान के, सिपाहियों के, हजरत के बहुत सारे खबर रहते हैं यहाँ पे बाहर के हिस्से में भी। तो उस जमाने में कोई सी भी घड़ी से भी क्या भी नहीं रहते थे, तो क्या करे थे बोलकर, अभी नमाज का वक्त हो रहा है, अजान का वक्त हो रहा है, तो टाइमिंग्स देखना था ना, तो उस वजह से ये ऐसा कुछ बना करें सामने लेकर। तो यहाँ पे कोई से भी एक स्ट्रेट गाड़ी रखना, ये हमारे पास कोई स्ट्रेट गाड़ी नहीं है, तो इसलिए अभी देखो स्ट्रेट रखने के बाद देखो धूप कहाँ से आ रही है। अब देखो यहाँ से दिख रहा, देखो उसका साया पड़ रहा है, धूप कहाँ से आ रही है वो देख कर कितना टाइम है यहाँ पे मालूम कर लेते हैं। यहाँ जरा लाइन सी सब लाइन वगैरह, ये लाइन तो मुझे मालूम नहीं क्या हिसाब से, लेकिन ये देख कर कितना वक्त एग्जैक्ट टाइमिंग्स भी उन्होंने बोल सकते थे। देखो खाली यहाँ धूप पड़ते रहे तो दिखता, धूप नहीं पड़ रही, उसका जो साया पड़ता वो साया के हिसाब से टाइमिंग से कितना क्या कर को मालूम होता था। नामा लिखो देख बेटा। गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। माशाल्लाह। सिंगल जगह जो भैया भाग रहे भाग रहे, अरे भाग रहे भाग रहे, अरे भागा भाग रहे भाग रहे।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप तमाम को मालूम है कि हमारे बच्चों के साथ हमारा टूर है, तो हम निकले टी नरसिंहपुर से, हम सीधा तन्नूर कट्टा को आए, उसके बाद वहाँ से गुंबस को गए, गुंबस से सीधा हम मस्जिद आला को आए, वहाँ जहर की नमाज़ पढ़े, वहाँ से सीधा हम यहाँ ये जो पैलेस था टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का, वहाँ पर अब हम यहाँ आए हैं। यहाँ से इंशाल्लाह जेल खाने को जाएंगे, जेल खाने के बाद किरंगूर की मस्जिद में वहाँ हाफिज़ कफील साहब के वहाँ इंशाल्लाह दोपहर का खाना खाएंगे, और वहाँ से फिर अगली हमारी कार्रवाई हम आपको बताएँ। तो बहरहाल हमें लोग अब वाटर जेल को आके ही प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं कि वाटर जेल कैसा है क्या है बोल को, तो बार बार वो वच वीडियोस बनाना ठीक नहीं। अगर चाहे वाटर जेल की इन्फॉर्मेशन होना तो प्लेलिस्ट में टीपू सुल्तान की प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो व्लॉग्स टीपू सुल्तान इन्फॉर्मेशन बोल को है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं तुम्हें लोग विथ इन्फॉर्मेशन देखो हमें। तो बहरहाल हमें वाटर जेल में ही लास्ट वीडियो में बताया था के कहाँ से उन्हों ये हुए बोल को, ये जो नदी दिख रही है देखो भैया नदी, ये पानी कम होगा था कहते बोलते हैं, क्या कहते हिस्ट्री में पानी कम होगा था, और पानी कम होने की वजह से रात के वक्त क्या कैसा था, शाम के वक्त क्या की शाम है या क्या है मालूम नहीं मुझे, एग्जैक्ट टाइमिंग्स क्या है मालूम नहीं। बहरहाल अंग्रेज़ा क्या थे उन्होंने यहाँ से आना शुरू करे कहते, एक एक कर को आए, और जो मीर सादी जो था उन्हें क्या करा सिपाहियों को, आओ तुम ना तनख्वाह दे रही कर को बोलिया, ओ उन्होंने कैसे भी थे उन्होंने जो क्या बोलते हैं सो फोर्स उनकी कही थी तनख्वाह लेने के वास्ते गए, तब तक उन्होंने फायरिंग करना शुरू हो गया, दीवार गिरी और अंदर आना शुरू हो गया। तो बहरहाल ये छोटी सी हिस्ट्री कैसा उन्होंने हमला कहाँ से करे बोल दो, हाँ सर चलो। तेल है क्या बा बिरयानी माशाल्लाह। बहरहाल नज़ारा देख सकते हैं,